नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव। आज मैं बताऊंगी आपको गुरुवार को कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए महिलाओं को, क्योंकि वह वर्जित होते हैं हमारे हिंदू धर्म के अनुसार। पुराणों में कहा जाता है कि हमारा जो वीरवार यानी कि बृहस्पतिवार का जो दिन होता है वह धार्मिक होता है, सभी देवी देवताओं का नाम होता है और सभी देवी देवताओं की इसमें पूजा भी की जाती है, और महिलाओं के जीवन से लेकर मृत्यु तक की इसमें बहुत सारी दिनचर्या के बारे में बताया गया है। तो इसलिए महिलाओं को वीरवार के दिन कुछ ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो उनके जीवन से जुड़े हुए हैं और उनके जीवन को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज जानते हैं ऐसे कौन से कार्य हैं जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए। नंबर एक, कभी भी महिलाओं को वीरवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि बाल धोने का मतलब होता है आर्थिक नुकसान और पति से संबंधित और बेटे से संबंधित यानी कि संतान से संबंधित परेशानियों का सामना करना, क्योंकि वीरवार का दिन पति और संतान दोनों से जुड़ा हुआ है। बृहस्पतिवार के दिन जिस देवता की पूजा की जाती है वह दोनों तरह के वरदान देते हैं, यानी कि पति की आयुष्मान के लिए भी और संतान की प्राप्ति के लिए भी। इसलिए महिलाओं के लिए जरूरी होता है कि महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और संतान प्राप्ति के लिए उनका आशीर्वाद मान्य होता है। इसलिए महिलाओं को वीरवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, वह वर्जित होता है। नंबर दो, अगर आप चाहती हैं कि आपकी उम्र तक जब तक आप जी रही हैं, जब तक आपके पति का साथ हमेशा बना रहे, क्योंकि हर किसी महिला का पहला हक बनता है कि वह पति से पहले मरे। हर कोई महिला चाहती है कि वह पति से लंबी उम्र की ना हो, पति उसकी लंबी उम्र का रहे तो वह चलता है। इसलिए वह वीरवार के दिन व्रत रखती हैं, उपवास करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनके पति की लंबी उम्र हमेशा रहे, इसलिए वह भगवान की आराधना में लगी रहती हैं। तो यदि आप चाहती हैं कि आपके पति की लंबी उम्र रहे तो उसके लिए आप वीरवार को नाखून ना काटें और ना ही बाल काटें, क्योंकि नकारात्मक का रूप देखा जाता है। नकारात्मक होने की वजह से आपको आर्थिक नुकसान और पति से संबंधित नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। नंबर तीन, यदि आप पढ़ाई कर रही हैं और पढ़ाई करने के साथ साथ आप चाहती हैं कि आपको पढ़ाई में कोई भी आर्थिक नुकसान ना हो या फिर आपको पढ़ाई से संबंधित कोई भी नुकसान ना हो, तो आप वीरवार के दिन भगवान की पूजा करें, क्योंकि यही देवता हैं जो आपको विद्या भी दान में देते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले हर किसी कार्य में या फिर आप जिस प्रमोशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको प्रमोशन मिले, तो आप वीरवार के दिन यह कार्य बिल्कुल ना करें। नंबर चार, यदि आप चाहते हैं कि आपको संतान की प्राप्ति हो और उसके साथ साथ आपके घर में कोई लड़ाई झगड़े ना हो, तो वीरवार का दिन भी खास माना जाता है। वीरवार के दिन पर आप घर में कलेश वगैरह बिल्कुल ना करें और रात के समय कभी भी ऐसे कार्य बिल्कुल ना करें जिससे आपका वीरवार भारी हो जाए, जिसकी वजह से आपकी जीवन की रेखाएं भी कम हो जाती हैं और उसके आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप वीरवार के दिन पर ऐसे कोई कार्य ना करें, ऐसा करने से आपका बृहस्पतिवार भी कमजोर नहीं होगा और जिसकी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अक्सर देखा जाता है कि वीरवार के दिन कुछ कार्य करने से आपको सबसे ज्यादा नुकसान होता है, तो यदि आप चाहते हैं कि आपको कोई नुकसान ना हो तो वीरवार के दिन ये कार्य बिल्कुल ना करें। और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे इजाजत लेती हूँ।